समुद्र से थोड़ी दूर पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था और गांव में सबके जानवरों को चराने के लिए ले जाता था। इसी तरह एक दिन एक आदमी राहुल के पास आता है। ए राहुल, जा आज तू जाके मेरे सुअर को चरा ला, और हाँ सुन, शाम तक सुअर को लेके घर पे आ जाना। राहुल उस आदमी के सुअर को लेके जंगल की तरफ चला जाता है। राहुल जंगल में पहुंचता है तो सुअर भागने लगता है। राहुल भी सुअर के पीछे भागने लगता है। वो काफी दूर तक सुअर के पीछे भागता है, लेकिन सुअर उसकी पहुंच से काफी दूर चला जाता है। अब राहुल बहुत ज्यादा दुखी था। वो सोचता है, अगर मैं सुअर को नहीं ढूंढ पाया तो उसका मालिक मुझे बहुत मारेगा। जंगल में तो शेर रहता है, अगर उसने मुझे देख लिया तो देखते ही मार देगा, और अगर सुअर को लेकर नहीं गया तो उसका मालिक मारेगा। अब हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मेरे पास जंगल में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। राहुल घनी जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो जंगल के बीच में पहुंचता है तो उसने देखा जंगल में कई बड़ी बड़ी और खतरनाक छिपकलियां थी। राहुल उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। अब उसके पास पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से उसे कई छिपकलियों ने घेर लिया। अब शायद ये सभी छिपकलियां राहुल को मार देंगी। एक छिपकली राहुल की तरफ पड़ती है, वो राहुल पे अटैक करने वाली है, लेकिन इससे पहले वो राहुल तक पहुंचती वहां पे एक जादुई शेर प्रकट होता है। वो शेर अपनी जादुई शक्ति से छिपकलियों पे हमला कर देता है। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। फिर शेर राहुल को लेकर वहां से गायब हो जाता है। वो उसे लेकर जंगल के बाहर प्रकट होता है। शेर राहुल से कहता है, कौन हो तुम और इस खतरनाक जंगल में कैसे आए? तुम बात कैसे कर रहे हो, शेर तो बात नहीं करते। मैं एक जादुई शेर हूँ और भगवान ने मुझे यहाँ तुम जैसे लोगों की मदद के लिए भेजा है। राहुल बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ और यहाँ जंगल में एक सुअर आ गया था जिसे मैं चराने के लिए आया था। वो सुअर मेरा नहीं है, अगर मैं शाम तक उस सुअर को लेके गांव में नहीं गया तो उसका मालिक मुझे मारेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शाम तक सुअर के साथ घर पहुंचा दूंगा, पर उन सभी छिपकलियों से लड़ना होगा, क्योंकि उन सभी ने तुम्हारी तरह और भी कई इंसानों को मारकर खाया है, जिसकी उन्हें सजा मिलेगी। पर वो तो बहुत खतरनाक है, हमें संभल कर रहना होगा। तुम मेरे साथ चलो। राहुल शेर के साथ उसी जंगल में वापस से जाने लगता है। वो उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे कई सारी छिपकलियां रहती थी। वो एक जादुई जगह थी। वहां पे छिपकलियों ने सुअर को चारों तरफ से घेर रखा था। वो उसे मारने वाले ही थे कि तभी शेर ने अपनी शक्ति से उन सबको फ्रीज कर दिया। अब सभी छिपकलियां हिल भी नहीं पा रही। दौड़ता हुआ सुअर के पास जाता है और उसे वहां से लेकर वापस शेर के पास आ जाता है। तभी एक बहुत बड़ा जादुई नाग जमीन से बाहर निकलता है और अपनी जादुई शक्तियों से सभी छिपकलियों को वापस से नॉर्मल कर देता है। नाग अपनी जादुई शक्ति से शेर हमला करता है, पर उसकी शक्ति का शेर पर कुछ भी असर नहीं होता। इस बार शेर अपनी पूरी शक्ति से नाग पे हमला करता है, जिससे वहां बहुत बड़े बड़े विस्फोट होने लगते हैं। विस्फोट के साथ नाग भी फट जाता है। सभी छिपकलियां से भाग जाती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू।